बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल का 47वां जन्मदिन है। फिल्म घराने से ताल्लुक रखने वाली काजोल बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं। बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक हैं काजोल, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। आज हम आपको काजोल के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिसे लगभग 99% लोग नहीं जानते होंगे। काजोल मुखर्जी खानदान की चौथी पीढ़ी है। काजोल वेटरन एक्ट्रेस रत्नाबाई की परपोती है। अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में करने वाली काजोल ने अपनी पहली फिल्म महज 16 साल की उम्र में साइन की थी। 16 साल की उम्र में काजोल ने बेखुदी फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। काजोल बॉलीवुड की अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि बाजीगर में प्रिया चोपड़ा के रोल के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थी, लेकिन उन्होंने डेट्स न होने के कारण फिल्म निर्देशक को मना कर दिया और फिल्म आखिरकार काजोल को मिली। इसके साथ ही काजोल की ये फिल्म पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सिल्वर स्क्रीन पर काजोल और शाहरुख की जोड़ी ने हमेशा हिट फिल्में दी हैं। काजोल और शाहरुख ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, करण अर्जुन, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसे फिल्मों में काम किया है जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। करण जौहर काजोल को अपना लकी चार्म मानते हैं, इसलिए वह उनकी फिल्म की हीरोइन होती है या फिर उनका फिल्म में कोई कैमियो होता है। काजोल अभी तक लगभग 6 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ एक पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुकी हैं। काजोल बहुत बड़ी शिव भक्त हैं। वे हमेशा ओम नाम की रिंग पहनती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पुराण। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।